दिनांक 1 मई 2018 को हमने एक पौधारोपण का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा फर्स्ट जो पौधारोपण किया हुआ है वो बांध गांव DPS स्कूल श्रीष भारद्वाज जी के स्कूल में किया गया, जिसमें हमने कन्याओं के साथ वह यहाँ की जो लेडीज टीचर है उनके साथ हमने मिलजुल कर पौधारोपण किया गया। हमें यहाँ पर इतनी ज़्यादा खुशी हुई है स्कूल में, इन्होंने हमें मान सम्मान के साथ हमें यहाँ पर बुलाया गया, जिससे हमें यहाँ पर लड़कियों को हम एक संदेश भी देना चाहते हैं, बैड टच और गुड टच क्या होती है उनके बारे में बताने आए हैं हम। इसमें हमारे नपा सेवा समिति के मनोज दैया जी, वह हमारे साथ सतीश भारद्वाज जो DPS स्कूल के चेयरमैन है, उनकी मिसिज वह स्कूल के स्टाफ हमारे साथ मिलजुल कर पौधारोपण में मिलजुल कर हमारा साथ सहयोग कर रहे हैं। और हमें इनसे आगे आने वाले टाइम में यही निवेदन है कि जब भी स्कूल में कोई भी किसी बच्चे का भी जन्मदिन हो या किसी की सालगिरह, कोई भी अच्छा प्रोग्राम हो, तो वो एक पौधा लगा कर उसका साथ अच्छा मनोरंजन किया जाए। थैंक यू बहुत अभिन अखबार जी और दैया जी जो यहाँ पे आए, और हमारे जो छात्र हैं जो लड़कियाँ हैं और जो स्टाफ हैं, इन सभी के साथ मिलकर के जो ये पौधारोपण किया गया है, इससे हम एक आज एक संदेश लेते हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई नया कार्य होगा, नई जो भी कोई मतलब जैसे हमारा जन्मदिन है या किसी प्रकार की सालगिरह है, तो उसको मनाने के लिए हम एक पौधा अवश्य ही लगाएंगे, और जो कि ये हमारे पर्यावरण को तो शुद्ध करता ही है और दूसरों के लिए भी ये छाया या फल वगैरह कुछ ना कुछ पौधा देता ही है, ना कि हमसे कुछ लेता है। तो मैं आशा करूँगा कि जो ये पौधे लगाए गए हैं, इनको इनकी रख रखाव इनकी देखभाल भी, केवल मात्र लगाना ही उद्देश्य नहीं है, पौधे को लगा देने से पर्यावरण शुद्ध नहीं होता, इनकी आगे रखवाल करनी, इनको इनकी देखभाल करनी, और इनको ऐसे ही मतलब पानी वगैरह है जो जिस भी चीज़ की आवश्यकता है उसकी समय समय पर देखभाल होती रहेगी। तो ये पौधे जिसे हमारा समाज फुल रहा है, अच्छी बातें हैं वो भी सारी इन पौधों के माध्यम से समाज में दी जाएंगी। धन्यवाद। ठीक है भाई।